हे अस्सलाम वालेकुम माय लवली स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होंगे। आज हम इल्म का शौक इस सबक की स्टडी करने वाले हैं, सफ़ा नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से कोई 2500 बरस पहले यूनान में एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है, इसका नाम अफलातून था। आज से कोई कितने साल पहले की बात है, ये 2500 बरस पहले की बात है। और कहाँ पर आलिम गुजरा है, यूनान में, और उस आलिम का नाम क्या था, अफलातून। इसके सैकड़ों शागिर्द थे। एक दिन शहर के सबसे बड़े रईस ने अफलातून से दरख्वास्त की कि वो इसके बेटे को पढ़ा दिया करे। एक दिन शहर के सबसे रईस ने अफलातून से दरख्वास्त की कि वो इसके बेटे को पढ़ा दिया करे। अफलातून राज़ी हो गया। रईस की हिदायत के मुताबिक पढ़ाई के दौरान कमरा बंद रखा जाता था। रईस की क्या हिदायत थी कि जब भी पढ़ाई हो रही हो तो कमरा बंद रखा जाए। इस वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। रईस के बेटे का एक ग़ुलाम था। किसके बेटे का एक ग़ुलाम था, रईस के बेटे का एक ग़ुलाम था जो इसका हम उम्र था। हम उम्र मतलब उसी की उम्र का था। इसे पढ़ने का शौक़ था। किसे, उस ग़ुलाम को पढ़ने का शौक़ था, मगर वो पढ़ नहीं सकता था क्योंकि इस ज़माने में ग़ुलामों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। जब रईस का बेटा कमरे के अंदर पढ़ रहा होता तो ग़ुलाम लड़का बाहर दरवाजे के पास बैठा रहता। इसे अफलातून की बातें बड़ी अच्छी लगती थी। किसे, उस ग़ुलाम लड़के को अफलातून की बातें बड़ी अच्छी लगती थी। वो बंद दरवाजे से कान लगाकर अफलातून की बातें नहायत शौक और लगन से सुना करता था। रईस ज़ादे को पढ़ते हुए जब एक साल पूरा हो गया तो इम्तिहान लेने के लिए इस ज़माने के कायदे के मुताबिक आलिमों की एक मजलिस बुलाई गई। अफलातून के कई शागिर्द भी वहाँ मौजूद थे। रईस ज़ादे को एक ऊंचे मिंबर पर बिठाया गया, फिर इसे एक उनवान पर तकरीर करने के लिए कहा गया। एक तो रईस ज़ादे ने इम्तिहान की तैयारी ठीक से नहीं की थी, दूसरे इस पर मजलिस का रौब कुछ ऐसा तारी हुआ कि वो एक लफ्ज़ भी बोल ना सका। वो तबीयत की खराबी का बहाना करके मिंबर से नीचे उतर आया। अफलातून को बड़ी पेशमानी हुई। इसने अपने दूसरे शागिर्दों को आवाज़ दी, तुम में से कोई इस उनवान पर बोलने के लिए तैयार है, मगर कोई तैयार नहीं हुआ। इसी वक्त दरवाजे से लग कर बैठे हुए ग़ुलाम लड़के ने नहायत अदब से कहा, हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैं इस मौजू पर कुछ बोलने की कोशिश करूं। एक मामूली ग़ुलाम की ये बात सुनकर सबको बड़ी हैरत हुई। अफलातून ने इसे बोलने की इजाज़त दे दी। लड़के ने इस उनवान पर ऐसी उम्दा तकरीर की कि लोग अश अश कर उठे। इस वाक़े से खुश होकर रईस ने इस लड़के को आज़ाद कर दिया। जब ये वाक़या उस रईस तक पहुंचा, तो उसे इतनी खुशी हुई कि उसने उस ग़ुलाम लड़के को आज़ाद कर दिया था। अफलातून ने इसे अपना शागिर्द बना लिया और अफलातून ने उसे अपना शागिर्द बना लिया, अपना स्टूडेंट बना लिया था। ये मामूली ग़ुलाम लड़का बड़ा होकर अरस्तु के नाम से मशहूर हुआ और वही लड़का बड़ा होकर अरस्तु बन गया।